दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। नमस्कार, एक बार कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा क्या मैं आपको विजिबल हूँ। चलिए तो स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और आपकी सारी क्लासेस रिज्यूम कर दी है मैंने। जितने भी क्लासेस होती हैं आपकी अन अकेडमी पे और यूट्यूब पे सारी होंगी। जैसे 7 बजे का जो सेशन है 200 रैपिड फायर का, अब मैं आपको स्पेसिफिकली जीडी के लिए पढ़ाने वाला हूं 200 रैपिड फायर शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी पे। लिंक कहां पे मिलेगा 7 बजे का वाईफाई स्टडी का? लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से अमन सर वाईफाई स्टडी से एक्सेस कर सकते हैं लिंक को और आप जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। वर्ल्ड अफेयर वीडियो आज का भी आ चुका होगा, मैंने अक्टूबर का वीडियो डाला है, देखिएगा जरूर। ठीक है, फ्री क्लासेस सारी होंगी। जैसे अभी 10 AM पे करंट अफेयर होता है, वो 10 AM का करंट होगा, 8:30 बजे वाली क्लास भी होगी। ठीक है, और 10 PM का ये सेशन जो है रात को वो भी होगा। तो सारी क्लासेस होनी है। फ्री क्लासेस के लिए आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा। कोर्सेज जितने भी हैं वो सारे आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कोर्स का एक्सेस ना अभी ले लीजिए, क्योंकि अभी ना ये ऑफर चल रहे हैं, ये जितने भी ऑफर चल रहे हैं ना इनका बेनिफिट बहुत है। आप इन ऑफर्स में ना एक्सेस करेंगे तो बेनिफिट होगा। जैसे आप कोर्स के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हैं, एसएससी गोल सिलेक्ट करते हैं, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आप क्या करें, रेफर कोड लाइव अमन इधर पहले ही यूटिलाइज कर लें, जिससे आपकी फीस जो है कम हो जाए। आपको ये वाली फीस ना देके ये वाली फीस देनी है जो कम फीस है। ठीक है, बेनिफिट उठाइए इसका। चलिए तो साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनायन फॉर्मेशन किससे होता है बताइए? अनायन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए? क्या इस क्वेश्चन का आंसर? अनायन का फॉर्मेशन किससे होता है? देखो अनायन का मतलब क्या है, ठीक है, अनायन का मतलब है, ठीक है, माइनस चार्ज माइनस होता है इसमें, है ना। ऑब्वियसली चार्ज माइनस होता है तो कहने का मतलब, ठीक है, गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कटायन का क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कटायन का क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा शेयर कर रहे हैं एक बार सारे के सारे, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका क्या मोशन होगा बताइएगा? किस तरीके का मोशन होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, रेक्टिलिनियर होगा क्या? क्योंकि अगर सर्कल में मूव कर रहे होता ना, जैसे गाड़ी का टायर होता है, वो तो होता है ट्रांसलेटरी रोटेटरी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब क्या? रेक्टिलिनियर होता है। ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेक्टिलिनियर। इसका आंसर है नेम द गैस विच इज यूज इन फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बेटा शेयर करना सारे के सारे, बताओ। ठीक है, शुगर फर्मेंटेशन में हम कौन सी गैस यूज करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ठीक
ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, शुगर फर्मेंटेशन की बात हो रही है और ये आसान क्वेश्चन था। जैसे अब ये कह रहे हैं कि भैया एल्यूमिनियम का और कौन सा है, इसमें बॉक्साइट आपको कहीं नहीं दे रखा, ठीक है, बॉक्साइट आपको कहीं नहीं दे रखा जो बेसिकली ओर होता है, ठीक है, बेसिकली बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर होता है, लेकिन आपको नहीं दे रखा, लेकिन आपको इसमें क्रायोलाइट दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रायोलाइट है, गुड मॉर्निंग भाई सभी को जो भी बच्चा देख रहे हैं, ध्यान रखना आज सुबह से जितनी भी क्लासेस है वो सारी रिज्यूम कर दी है, ठीक है, तो आप सभी क्लासेस देखिएगा। दूसरा, पावर ऑफ द मूविंग बॉडी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताएं आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखिए कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें जो पावर स्टोर होती है ना, वो किस तरीके से होती है, वो फोर्स और वेलोसिटी, कितना फोर्स है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या है। बेटा सारी क्लासेस होंगी आज 10 AM पे, 11 AM पे, जितनी क्लासेस होती हैं। और वेडनेसडे के मैराथन के लिए भी तैयार हो जाना, वेडनेसडे को मैराथन भी होगा आपका, ठीक है। जैसे ये देखो, बैलून फिल विद हाइड्रोजन गैस इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, अगर हाइड्रोजन गैस है बैलून में और मैं उसे अर्थ से मून पे ले जाता हूँ, ठीक है, पृथ्वी से चांद पे ले जाता हूँ, तो यार जो बैलून में, जो मून पे बैलून पहुंचेगा वो तो फट जाएगा, टेम्परेचर एकदम से बदलेगा ना, डेफिनेटली मून पे ले जाओगे तो वो तो ऑब्वियसली ब्रस्ट ही होगा, उसके अलावा थोड़ी कुछ हो सकता है। ये रेफर कोड लाइव ओमन यूज करेगा, बताइए क्रायोजेनिक साइंस किससे रिलेटेड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो क्रायोजेनिक साइंस किससे संबंधित है, लो टेम्परेचर से संबंधित है, ठीक है, लो टेम्परेचर से जितनी मिसाइल लॉन्च होती हैं और वो सब क्रायोजेनिक साइंस से ही पॉसिबल हो पाया। लेमन जूस का पीएच वैल्यू क्या है, कमेंट करेगा, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस, एसिडिक होगा, कहने का मतलब लेस देन 7 होगा, क्योंकि लेमन तो एसिडिक होने वाला है ना, तो वो तो लेस देन 7 ही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए व्हाट कॉजेस रेड रस्ट डिजीज इन द टी, जो चाय की पत्ती होती है ना उसमें रेड रस्ट डिजीज हो जाती है, अब कारण क्या उसका, ठीक है, रेड रस्ट डिजीज होने का क्या कारण है चाय की पत्ती में, जल्दी से बताएं आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चाय की पत्ती में जो रेड रस्ट डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, एल्गे की वजह से होती है, ठीक है। मॉलिकुलर मास ऑफ गैस प्रेशर से अगर मैं कंपेयर करूंगी भैया, वेपर प्रेशर का और मॉलिकुलर मास का क्या रिलेशन है गैस में, बताइए क्या रिलेशन है मॉलिकुलर मास और वेपर प्रेशर, तो रिलेशन क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ गैस इज ट्वाइस इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर का क्या होता है, ट्वाइस होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या होते हैं, बताइए कार्बोहाइड्रेट एसिड प्रोटीन क्या, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, एंजाइम्स आर व्हाट, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, प्रोटीन, एंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोटीन, है ना। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है, देखो यार अब इसमें लिखा हुआ है कि हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली बार इस चीज को, ठीक है, रिलेट किया कि भैया हीट जो है किस तरीके का ऊर्जा होती है जो कि क्या है वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये किसने रिलेट किया था, ये रिलेट किया था रमफोर्ड के द्वारा, ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है कि भैया रमफोर्ड ने रिलेट किया था कि हीट एक एनर्जी का टाइप है जो कि वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, बताइए व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NH4NO3 इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है नेचर में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर आपसे पूछा जाता है भैया कौन सा पैरामैग्नेटिक है नेचर में, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर बताइए जल्दी से बताइए, तो आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विल बी मोर इफ द गैस इज सब्जेक्टेड टू व्हाट, देखिए जैसे मान लो कोई गैस एक आइडियल बिहेवियर शो करती है,
और वो उससे डेविएट हो रही है, तो वो किस वजह से डेविएट होगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर किस वजह से, तो दिमाग में रखना है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन में वो डेविएट करेगा। ठीक है, जैसे सारे क्वेश्चन मुश्किल हैं, मैं इस सीरीज को नया कर रहा हूँ, कल भी ये क्लास होने वाली है, तो अब आपकी लगातार साइंस की क्लास होगी 9 AM पे, ठीक है, और उसके बाद 10 बजे करंट अफेयर लगातार होगा आपका 10 AM पे। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो आप ज़रूर देखें, बाकी मैं आपके लिए वेडनेसडे को मैराथन ले आऊँगा, सुबह 7 बजे से आपका कवरेज हो जाएगा। बॉडी विल रिमेन ए ट्रस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, ये आइंस्टाइन का लो है या न्यूटन का लो, ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, जो बॉडी है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही जो है अपनी स्टेट को चेंज करती है, इनर्शिया का कंसेप्ट यूज होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ मोशन, थर्ड लॉ मोशन सुने होंगे आपने, बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सब सरफेस जर्मिनेशन, बताइए इसमें से कौन सा जो है वो प्रोड्यूस तो होता है लेकिन सब सरफेस जर्मिनेशन में प्रोड्यूस होता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ए टू जेड क्वेश्चन, आंसर क्या है, जो मक्का होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सब सरफेस जर्मिनेशन होता है उसका, व्हाट इज मेनली पोल्यूटिंग गैस इन व्हीकल्स, गाड़ियों में जो प्रदूषण होता है गाड़ियों की वजह से वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन। ठीक है, गाड़ियों में जो प्रदूषण होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बन मोनोक्साइड CO, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड ऑब्वियसली, या तो लेड होगा ऑप्शन में या तो कार्बन मोनोक्साइड, लेड और कार्बन मोनोक्साइड में से कोई एक होगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, अमन सर वाइफिस्टडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, बड़ी बेसिक सी बात है, सेकेंड लॉ मोशन का फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और वही अप्लाइड फोर्स लिखा हुआ ऑप्शन में, सेकेंड लॉ मोशन है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, फाइकोफाइक भी एक एल्गे है, शैवाल है, किस वाले, कौन से वाले, क्लोरोफाइक, ठीक है, आर से होता है रोडोफाइक, येलो कुछ होता नहीं बसता ब्राउन, ठीक है, क्या इसका आंसर बी है ब्राउन, ठीक है, क्या इसका आंसर बी है ब्राउन, ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस बी ब्राउन इसका आंसर है। यूट्रिफिकेशन कॉजेज अ डिक्रीज इन व्हाट, यूट्रिफिकेशन से किसमें कमी होगी, जल्दी से बताइए, बताइए यूट्रिफिकेशन से किसमें कमी होगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, जब मैं यूट्रिफिकेशन की बात करता हूं ना, वो एक तरीके से दलदल आप इमेजिन कर सकते हो, कि जो पानी में दलदल समझ जाता है ना, वो यूट्रिफिकेशन का कंसेप्ट। अब उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें खत्म है, क्योंकि वहाँ पे जो है रोशनी नहीं पहुँचेगी, उससे मैरीन लाइफ के प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो नहीं सरवाइव करवा पाएंगे, तो उसके बाद जो मैरीन लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से सब कुछ ख़त्म है उधर, जब ख़त्म है तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो दलदल वैसे ही बनने वाला, तो वही सेम चीज़ है। मेटल यूज इन वायर एट डोमेस्टिक लेवल, देखिए इसमें से कौन सी वायर जो है डोमेस्टिक लेवल पर यूज़ करते हैं, तो हम कॉपर की वायर जो है, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं, और कॉपर का ही यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम का भी नहीं यूज़ होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, और बैटर सिल्वर का होता है, लेकिन सिल्वर कहाँ ही यूज़ करें, हाइड्रोजन का डिफ्यूजन रेट हीलियम के मुकाबले कितना है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट 1.4 टाइम्स ऑफ द हीलियम, यस और नोट, सीधा आप हाँ या ना बताइए, क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन डिफ्यूज करता है उस कंपेरिजन 1.4 टाइम्स है हीलियम का, जल्दी से बताएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। ध्यान रखना आपकी क्लास सारी होनी है, रेगुलर होगी ये क्लास भी, और सबसे जरूरी 10 AM का सेशन, जो 10 AM का अनअकैडमी का सेशन है वो हम रिज्यूम कर रहे हैं, वो क्लास का लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। 7 बजे वाली क्लास जो रात को वाईफाई स्टडी पे होती है, वो यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाली है आज से, और धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से बताएगा, निम्नलिखित में से किसका जो है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, नियॉन इसका आंसर है। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन है, प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ सोप। देखो प्रोसेस सफोनिफिकेशन है, बड़ा सिंपल सा है, मिशेल फॉर्मेशन, सफोनिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर सफोनिफिकेशन है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है एसिड यूज, बेटा सारी क्लासेस हो रही है, टेंशन ना लो इतनी। एसिड यूज देखो दो तीन दिन ना जो भी क्लास नहीं हुई ना उसका कारण, पहला तो बीच में सैटरडे संडे आ गया, ठीक है इस वजह से नहीं हुई, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्लास मिस होनी थी। ठीक है अब जैसे मंडे टू फ्राइडे तो धमाकेदार तरीके से मैराथन है, वेडनेसडे को भी मैराथन रखे हैं सारे, फ्राइडे को भी मैराथन रखे हैं, वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है तो मैराथन के लिए तो तैयार हो जाना, वेडनेसडे से आपके मैराथन भी स्टार्ट हैं। ठीक है एक दिन में सब कुछ। सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। बताइए कौन सी स्टेट जो है इंडिया की पहली कार्बन फ्री स्टेट रही। आसान क्वेश्चन है, आंसर है हिमाचल प्रदेश, ऑर्गेनिक का सिक्किम आ जाता है और कार्बन फ्री का हिमाचल प्रदेश आ जाता है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है बहुत ही सरल सवाल। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट फिजिकल अमाउंट इज ऑब्टेन इन रिलेशन टू द मोमेंट। देखो यार मोमेंटम और वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है मोमेंटम और वेलोसिटी की बात हो रही है, अब इससे कौन सा फॉर्मूला निकल सकता है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलिए तो ये ना ये सिर्फ इतना सा है कि आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को याद रखें और आंसर निकाल दें, मास इसका आंसर है। ठीक है क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है वेलोसिटी और मास, ये सब कंसेप्ट आपके चलते रहते हैं। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जियो स्टेशनरी लाइन, इसमें ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, इधर एक जीरो और लगाना था तब जाके सही होता। 36,000 किलोमीटर, एक जीरो और लगेगा 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है 36,000 किलोमीटर जो है जियो स्टेशनरी लाइट जो है एलिवेट होती है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगना है इसमें भी। ठीक है तो ये आंसर ये नहीं है, ठीक है आप याद रखेंगे ये तीन जीरो लगने चाहिए तब जाके वो सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। बताइए इसमें से कौन सा आयरन का ओर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही सरल सवाल है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, आयरन ओर कौन सा है इसमें से, मैग्नेटाइट आयरन ओर है। एक और क्वेश्चन देखिए बताइए, ये एसएससी की क्लास जो ना वाईफाई स्टडी वाली 7 बजे वाली आज रिज्यूम हो रही है, 7 दिन लगातार 7, मतलब आप ये समझ लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये पूरे जो 6 और ये संडे, मंडे से संडे तक ये जो क्लास चलेगी इसमें आपका आधे से ज़्यादा रिवीजन है। ठीक है आधे से ज़्यादा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा इसमें, इतनी क्लासेस में 200-200 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है तो बेनिफिट है 7 बजे वाली वाईफाई स्टडी क्लास देखिएगा आज। ठीक है आज से शुरू कर दीजिए। कंपाउंड विच कंटेन आयनिक बॉन्ड, देखो इसमें से आयनिक बॉन्ड किसमें है NaCl में, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होगा कि NaCl में जो है आयनिक बॉन्ड है। एक और क्वेश्चन देखिए बताइए आंसर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज। इसमें ना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है कि क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, इसको स्किप करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंस इज कंप्यूटर आईसी चिप मेड अप ऑफ, एक कंप्यूटर की जो आईसी चिप है वो किसकी बनी होती है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सिलिकन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, लेस्ट डिस्टेंस, देखो लीस्ट लिखा हुआ गलत स्पेलिंग लिखी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन 25 सेंटीमीटर होता है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है कि भैया हमारे कानों के सुनने की क्षमता डेसिबल में मेजर करते हैं, ऑर्डिनरी कितना है जो हम सुनते हैं नॉर्मली, और मैक्सिमम कितना है जो उसके बाद हम सुन नहीं सकते, वो मैक्सिमम होगा उसके बाद सुनेंगे तो दिक्कत है कान को, तो ऑर्डिनरी 60 है और मैक्सिमम 80 है। ठीक है बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ स्टेज ऑफ सब्सटेंस। बताइए फोर्थ स्टेज कौन सा है, बिल्कुल आसान है, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। तो इसमें प्लाज्मा दे रखा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है ना, डी ऑप्शन में दे रखा है प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल फॉर डाइजेस्टिंग फूड इन द स्टमक। जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, डाइजेस्टिंग फूड इन अ स्टमक आंसर क्या है इस क्वेश्चन का।
चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, डाइजेस्टिंग फूड इन अ स्टमक कौन सा है इसमें से एंजाइम। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का स्टेबलाइज होता है, जैसे मान लो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये स्टेबलाइज कैसे होगा, तो प्रोटीन का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी अगर स्टेबलाइज का क्वेश्चन आता है तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बताइए, ठीक है हरा तोता यानी कि ग्रीन विट्रोल की बात हो रही है, किसकी ग्रीन विट्रोल, किसकी ग्रीन विट्रोल की बात हो रही है, और हरा तोता क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। ऐसे जैसे नीला तोता अगर बोले ना ब्लू विट्रोल तो कॉपर सल्फेट है, ब्लू विट्रोल, ठीक है CuSO4 जो है ब्लू विट्रोल है और हरा तोता जो है फेरस सल्फेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन के बाद आपका 10 AM का सेशन स्टार्ट होगा दोस्तों, ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, 10 बजे आपको करंट अफेयर का मेगा रिवीजन सीरीज मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। 7 बजे की क्लास 200 रैपिड फायर यूट्यूब पे स्टार्ट है आज से, 11 बजे का क्लास स्टार्ट है, तो सभी क्लासेस रिज्यूम है। ये फाइनल क्वेश्चन बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर है म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है म्यूरिएटिक एसिड इसका आंसर है। तो आप जितने बच्चे देख रहे हैं ना, पहला तो ध्यान रखना 7 बजे वाली क्लास मिस मत करना, कोई भी बच्चा 7 बजे की क्लास मिस मत करना, वाईफाई स्टडी की क्लास। टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगा 10 AM के करंट अफेयर का भी, 10 AM पे मैं जो करंट अफेयर करा रहा हूँ उसका रेफर कोड लाइव मैंने, एक्सेस कर लेना, करंट अफेयर होंगे, और जो वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है वो भी आ चुकी है, ज़रूर देखो। कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अभी मौका भी है, देखो जब समय होता ना उसी समय काम होना चाहिए, कि जिस चीज़ का जब समय हो, ये समय अभी है, क्योंकि उसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, CET भी आपका आने वाला है, ये SSC और बैंक के जो कॉम्बो ऑफर है ना वो CET के लिए बहुत बेनिफिशियल है और सबसे कम फीस में अभी मिल रहे हैं, ठीक है। जब बिल्कुल एग्जाम नियर होगा तब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चीज़ें, अभी कर लो। SSC गोल जब आप सिलेक्ट करोगे ना, आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले एक रेफर कोड लाइव ओमन नीचे यूज़ करोगे तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू डिस्काउंट लेना है कि नहीं, ये बस डिस्काउंट्स के लिए होते हैं ऑफर्स, ठीक है। बाकी फीस ये मत देना, कोशिश करना डिस्काउंट लेके ही रहो, ठीक है। तो लाइव अमन रेफर कोड यूज करके डिस्काउंट ले लीजिए, सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, फुल क्लास होगी, सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, विजुअली PDF जो होगा वो आपको बेहतर मिलेगा, थ्योरी में सभी टीचर्स का एक्सेस होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, यानी कि कुछ भी पढ़ें कितना भी पढ़ें सभी सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मिलते हैं आप सभी से 10 बजे करंट अफेयर की क्लास में, अभी स्टार्ट कर देंगे 10 बजे करंट अफेयर का सेशन। थैंक्स अ लॉट, सेशन को आप सभी के सभी जो है लाइक करें, शेयर करें।